भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की। आरंभ होगी वही 1:15 बजे से और शाम को 6:15 बजे तक। देखो चुनौती है सबसे बड़ी इस समय, चुनौती क्या है कि घर में कूलर और पंखा उसको छोड़ करके जाने का मन नहीं करता, तो आने का मन जरूर कर जाएगा। कूलर चला लिया तो नहीं निकल पाओगे। हाँ सड़कें तपती है, लेकिन यहाँ आकर के आपको चारों तरफ से पंखे की व्यवस्था, एक दो कूलरों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। जाने हमें साथ लेकर जाने हो तो लेकर जाएगा, खाली हाथ कभी ले जाए, और कोई परिस्थिति हो तो बातें अलग है। तो कथा में क्योंकि जाओगे तो झोली भर के लेके जाओगे, ये निश्चित है। तो आना हो तो खाली हाथ लें और जाना हो तो भी खाली हाथ लें। अब सुनिए, अब थोड़ा सा खान पान का आप ध्यान रख सकते हैं इन दिनों, क्योंकि हो सकता है कि छाछ आपकी आए सुबह सुबह, चाहे खाली पेट, लेकिन छाछ भी पी के आ गए तो वो अपना काम दिखाई दे। इसलिए जो भी आप खा के आवे वो ऐसा खा के आवे कि आपको यहाँ बैठ करके ऐसा नहीं लगे कि मुझे बैठने में कोई दिक्कत हो। कुशल पति घर आवे तो सुख आनंद घर आवे, दिखल के मिठे कहने का हो जय जगदीश हरे। हाथ पिता तुम्हें मेरी शरण कहूँ मैं तिजे की, स्वामी शरण कहूँ मैं तिजे की। तुम बिन आन को जा मैं भूमि न और न जोया, हाथ कर मैं जिसकी हो जय तुम्हें अंतर आमी, स्वामी को अंतर आमी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी हो जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन चरिता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा हरे तुम हो एक हो चल सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं तुमसी ओ जय जगदीश हरे। दीन वर्ग तुके हरे था तुम भक्त मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथी उठाओ दया करी शरण बढ़ाओ, बज बड़ा तेरे हो जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रेता भक्ति भराओ, श्रेता हरि सेवा हो जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको अरे पल तेरा तुझको अरे पल गला के मेरा ओ जय जगदीश हरे सारी ब्रह्म की आरती जो कोई मेरे गावे स्वामी प्रेम करते गावे कहते शिव Thank you.
Thank you.
कृष्ण पुष्पाणि च समर्पयामि आवाज बिल्कुल कम रखो, गुनगुनाहट रखो, बस के बस।
राधे 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 केवल इनकी तरफ देखा और जो देखा ये लोग खड़े के खड़े रह गए। बोले भरेंद्र और भगवान का रथ आगे निकल गया और जब आगे निकल गया द्वारिकाधीश की जय इनका नेत्र खुले और जैसे नेत्र खुले मालूम चला कि द्वारिकाधीश तो चले गए और विनती करी कि हे नाथ मेरी कुटिया में जरूर आना, मेरे पास जरूर आना। चलो बात कहने लगी कि नाथ मुझे तो ऐसा ही लगा कि मुझे तो लगा था कि ठाकुर जरूर आएंगे, सब मुझे कुछ कह के गए थे। हमारी तरफ एक क्षण देखा था उन्होंने, हस्तरा पुत्र ले जाते हैं, मुख्य द्वार पर बड़ा भव्य स्वागत हुआ। भोलेनाथ पर कौन रोज जल चढ़ाता है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं भक्त जो भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं? अरे थोड़ी प्रेरणा मिल रही हो तो कोशिश कर लो। क्या कैसे कभी योगी कभी भोगी कभी काल ब्रह्मचारी कभी देवी आदि मेरे महादेव लक्ष्य प्रजापति जब हुंकारा ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। लक्ष्य प्रजापति जब हुंकारा श्रेष्ठ बोल से शीशी उतारा माफी मांगी हो आयो बकरे को सब शीश लगायो बकरे को सब शीश लगायो बकरे को सब शीश लगायो। अरे आप से भोले बाबा भाई प्रसन्न बकरे ने मुख सी झोले के साथ क्या कहना है? कलाती से कल्ला ने कल्पा से भारी कथा सत्य आनंद मोहारी 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 आनंद सम्मो है मोह पहारी प्रतीत प्रतीत प्रभु मन भारी प्रभु मन भारी प्रभु मन भारी। अरे ध्यान लगाए Oh,
जो कंजूस है ने तो पानी बजा रहे मैं ठाकुर जी को भी जा रहे फिर भोलेनाथ इतने दुश्मनी थोड़ी है भाई। मैं कब कहता हूँ कि पूरे भजन में 10 सेकंड बहुत है, 10-10 सेकंड भी होना तो भजन पूरा हो जाए, इसलिए बैठे बस ऐसी बात नहीं है। सब पता ही बजाय मैं सब जानता हूँ व्यवस्था क्या है, ये कथा पहली नहीं है। कब भक्ति भाव प्रकट करेंगे आप? इतने सुंदर भगवान के भक्ति में हम प्रवेश कर रहे हैं। भोलेनाथ देवादिदेव की बड़ी सुंदर रचना चल रही है ना? आइए जयकारा जय हो। भोले श्री बाबा के विहंडाल की शंकर भोलेनाथ की। आज जोड़ करके सूर्य भगवान का नाम करेंगे। यम प्रभजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विदयतातरयाजुभव पुत्रेति तन्मयदयातरभो विनेतो तं सर्वभूतकृतयं मुनिमानितोऽस्मि। ॐ शुक्रदेवाचार्य नमोऽध्यायी धनुर्मुदानादक्षलक्ष्माणि च समर्पयामि। हेमशैलाभदेहम् तनुजमनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आये हनुमन्तपदार्ये कथा कहे मति अनुसार प्रेम सहितया सन दियो बैठी पवन कुमार अनंत गुणवा जय दानुदाना दक्ष दक्षवान समर्पयामि। हाथ जोड़ करके भागवत भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवाणाम धनम यशमिन पारमहंसमेव ममलम् ज्ञानम् पदम् गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्त सहितम् नैष्कल्म्यमाविष्कृतम् तत्क्षणं प्रपटन विचारण परो भक्त्या विमोच्यै नरः। श्रीमद्भागवत महापुराण तरणकम् लेभ्यो नमो नमः। अध्याये ध्यानं कुरु ध्यानं दक्ष दक्षवाणीं समर्पयामि। सुगंधीनि मालित्यारीनि वैसो मया ददानि पुष्पाणि मूलार्थं।
ओम जो हूँ शांति हंति तुम शांति पृथ्वी शांति राव शांति रोषदय सर्वरी सुशांतिर्भवतु। लेकिन मुझे नहीं लग रहा आपको डर ही है जो आप बैठे हुए हो। जिसको डर नहीं होता ना किसी का वो ऐसे आ जाते जैसे काम नहीं आए हैं। क्या तेरी गलियों में आवे थे, तेरी गलियों में आवे भगवान की सावनी सलोनी सूरत का ध्यान करिए। सलोनी सावनी सूरत गले हार फूलों का निगाह निगाह एक मिनट क्यों कंजूसी कर रहे हो, मुझे सब पता है क्यों कंजूसी कर रहे हो आप लोग। उठाइए दोनों हाथ जो कंजूस है
अरे भैया खुल के दरबार में ठाकुर जी की सेवा में हाजिर हो जाओ। निगाहों में
धरती देख ले डोला हे गगन ये सारा। भीखी मांगनी आया घर तेरे जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। आज लुका दूसरी बसे अपना मन ले कहना मेरा, आज लुका दूसरी बसे अपना मन ले मेरा। अरे मिट जाएगा पल में तेरा, हो मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ी सकल अभिमान अमर कर ले तो अपना काल भगवन भर दे। बोली श्री बाबन भगवान की जय हो। एक बार उठाई दोनों हाथ सीधे सीधे, बोले बाबन भगवान की जय हो। हाँ यादव साहब, यादव साहब आगे आ जाइए। विपुल भैया, भाई साहब हैं यहाँ? नहीं है तो आगे आ जाइए। और आज के जो यजमान दूसरे और थे वो आए क्या आज? हाँ वो भी आ जाइए। हाँ जी
तेरा
मोर कपटी मुरली धरि मोर कपटी मुरली धरि सने दीजे ओम जय जगदीश राजे हर ब्राह्मण की आरती जो कोई मेरे गावे गोमी प्रेम सहित गावे हाथ लगा करके पहना दो
बोली सच्चिदानंद भगवान की। ये बात अब ठाकुर जी की सेवा में जो भी आपसे बन पड़ता है वो तो ठाकुर जी के चरणों में कोई भी तन मन से कोई भी दक्षिणा इनके दरबार में अर्पण करें और ठाकुर जी से मनी मन जो सेवार्थ आपको चाहिए कि ठाकुर जी मेरे जीवन में ये कार्य मंगल में पूर्ण हो और उसका आशीर्वाद जो हाँ बैठ जाए बाकी धीरे धीरे आशीर्वाद ले और चलते चले। अब जितनी भी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं सुन लिए साहब, एक साथ खड़े होंगे तो सब हाँ क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, लेकिन आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। हाँ आरती तो पहुँचाओ सभी के पास, अभी पंखे चल रहे हैं बीच बीच में, थोड़ा सा देख लेना बस यही लाइन जोर से बोलिए यही सुनना था था कितना सही बहुत है। भगवान जब प्रकट हुए तो सबसे पहले किसको दर्शन दिए, कौशल्या हितकारी, दशरथ हितकारी नहीं बोले, क्या बोले कौशल्या हितकारी, अरे अपनी माँ के हित भगवान आज उनके गर्भ से प्रकट भए हैं, देखो तो सही। और ये माताएं सब भगवान का ध्यान करना, क्योंकि आपके ही निमित्त भगवान धरा धाम पर आए हैं, इसलिए हाँ हर्षित मेहतारी, माँ को बड़ा हर्ष हुआ, हर्षित मेहतारी अद्भुत रूप विचारी कि प्रभु अद्भुत रूप में आए हो, बताओ कौन कहेगा आपको मेरा बालक जो चार हाथ लेकर आए हो, गदा सरल चक्र पदम और इतना बड़ा रूप जो आपने बना रखा है, कौन कहेगा मेरा बालक आपसे, इसलिए लोचन अभिरामा। देखो माँ ने देखा कि तुम्हारे लोचन तो देखो, अगर एक बार देखने लगे तो नेत्र पलक बनाओ मेरी बहना रे, लड़वा पटे अरे ढोल झुले, 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 अरे आप मंगला आए मजे पे करते हैं कि अंत में राम मुख में आ जाए, लेकिन उनके भी नहीं आता। आज अब भाग्य कि मैं मेरे सखा मेरे कृष्णदेव मेरे कन्हैया उनके द्वार पर जा रहा हूँ, अति परम सौभाग्य मेरा। कहा कि भैया कहाँ रहते हैं, मुझे द्वारिका रहते हैं, तो वहां जाओ, रास्ता बड़ा दूर का था। सुदामा जी रास्ते में सोच रहे हैं कि आज मेरे बालपन के मित्र मिलेंगे, और मन में सोच रहे हैं हे प्रेमी पायो भी समझती हो, यह पपीहा प्यासा आया है, करुणा निधि यही समझ ले, ना तेरे दर्शन करने आया, करुणा निधि यही समझ ले, ना तुझे दर्शन करने आया है, ओ
उस एक ही घड़ी की खलबली में अब तक मुझे तो तरसाया है। कृपा सिंह यही पेशली आज समा मांगे आया है, आज मैं उसी की क्षमा मांगने तुमसे आया हूँ। उस एक घड़ी के छलवल में याद किया कौन से, उस एक घड़ी का छलवल कौन सा याद करो, मैंने आपको कल उस बात के बारे में बताया था। सांदीपनी गुरु के आश्रम में जब दोनों की मित्रता हुई तो गुरु माता ने इनको लकड़ी के लिए भेजा और वहाँ भूखवश ये दोनों के हिस्से के यानी खुद का तो खाया ही खाया और कन्हैया के हिस्से का भी खा गया। तो गुरु माता ने इनको श्राप दिया था, आज ये वही श्राप का कारण था, वही तो कारण था। भक्तो एक बार प्रेम से बोलो, बोलो कृष्ण सुदामा की। अब हम यहाँ उस प्रेम प्रसंग को कि आज वो जो गलती हुई थी आज उसी को सुधारने के लिए ठाकुर मैं इतना इतने दिन मुझे आज ये जो मेरा जीवन जो गुजरा है उसी का पश्चाताप मैंने किया है। सुदामा ने उस श्राप को स्वीकार किया है और आज मैं ठाकुर तेरे द्वार पर आ रहा हूँ क्योंकि तैने मेरी मित्रता को निभाने का वचन किया था। आज मैं देखता हूँ कि तुम मुझे मेरी मित्रता को याद रखता है क्या। अनन्य भक्त ने सुदामा अब देखिए क्या कहने लगे। सुदामा जी कि दुबले पतले भूखे प्यासे सुदामा जी देखो आज अपने मित्र के द्वार जा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, सुख से आओ में तनाई कैसे आओ में तनाई, तेरी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ में गिरधारी कैसे आओ में तनाई, तेरी बारी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे चलो तो पाना पैर के नखिसेले, धीरे चलो तो पाना पैर के नखिसेले, हरि झटपट चलो हरि झटपट चलो देखो तो सही इतनी दूर नगरी है, तूने मेरा इंतजाम रास्ते में ही कर दिया। जब भी इस गांव से भी सुदामा निकलते लोग उनको मनभाव की दक्षिणा देते और उसी से सुदामा अपना भरण पोषण करता हुआ द्वारका की ओर बढ़ने लगा। जब तीन दिनों चली विप्र के दुखन लागे पाँव, तीन दिनों चली विप्र के
लगातार 3 दिन हो गया चलते चलते सुदामा के पैर दुखने लगे। अरे देखी वृक्ष की छाव को सोई गयो पाव पसारी। हरी सुदामा जी एक वृक्ष की छाव में बैठ करके निंद्रा में सो जाते हैं। वृक्ष की छाया में बैठ के सोचे देखो मेरी जाति ब्राह्मण और मेरा कैसा प्रारंभ बड़ा खोटा था। एक करेंगे दया दीन दयाल दीन बंधु हरी करेंगे दया दीन बंधु दयाल दीन बंधु दयाल करेंगे दया दयाल दीन बंधु दीनानाथ मैं सेवक है जन जन चरणनी की धूरी। मान्यता बढ़ाई नहीं पंडिता ही जानाही नाए सेवक सेवकाई ठाकुर दयाल इस दिन पर दया जरूर करना। शीतल वृक्ष की छाया में जब नींद आ गई तो श्री कृष्ण ने अपने अपने मित्र को आया हुआ देख करके योग माया को आदेश दिया कि जाओ मेरा मित्र रास्ते में चलता चलता थक गया होगा तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए उसे तुरंत लिया और जब द्वारिका के बागों में जाकर के सुला दो द्वारिका के बागों में जाकर के। और जैसे ही सुदामा ने देखा ओहो बड़े बड़े ध्वजाएं बड़े बड़े तोरण द्वार भैया अरे मैं तो जंगल में सो रहा था ये मैं कहाँ आ गया। माली से पूछा भैया माली ये कौन सा गांव है। माली बोला द्वारिका छोट द्वारिका। सुदामा जी बोले मेरे सका श्री कृष्ण कौन सी द्वारिका में है क्या यही वो द्वारिका है। माली बोला द्वारिका तो एक ही है भैया यही वो द्वारिका है। आपने सुना मैंने क्या बोला। सुदामा जी किस भाषा को पकड़ लिया भैया यही द्वारिका छे। ये द्वारिका ब्रह्म में पड़ गया छे द्वारिका मैं कौन सी द्वारिका में आया हूं भैया। माली माली कहने लगा कि भैया द्वारिका तो एक ही है। अरे अभी तो आप कह रहे थे छह। अरे हमारे यहां भी तो बोलते हैं है का मतलब छह। ब्रज में बोलते हैं कि है हाँ भाई हमारे पास है और ये लोग कि छह। अरे तू कौन है भाई या छह को छह समझ लेते हैं छह का अंक समझ लेते हैं। पुरानी बात है कि कोई उधर ब्रज भाषा का व्यक्ति इधर देश भाषा में आ गया और जब भोजन कर रहा था ना थोड़ा सा जान लीजिए सुदामा जी नगरी में विचरण कर रहे हैं द्वारिका जी और बड़े बड़े पहरेदार जो बड़े बड़े पहरेदार पहरा दे रहे थे ये ऐसा करो ये ऊपर लगा लो ऊपर लगा लो कोई दिक्कत नहीं व्यवस्था करके चढ़वा देंगे ताकि सभी को दिखे नहीं तो सब यूँ पीछे से खड़े हो जाएंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना शरीर से थोड़ा अच्छा करेंगे जानिए।
पेड़ी पर पहुंचे, भीतर जाने लगे, द्वारपालों ने जाकर के उनको रोक लिया। अरे कहां जा रहे हो, कौन हो पंडित जी, कहां जा रहे हो? सुदामा बोले, भैया श्री कृष्ण के पास में, भैया कन्हैया को मैंने उज्जैन में उन्हें एक साथ पढ़े, वो हमारे बचपन को मित्र है, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। कि भैया हमने ना देखे तुम्हारे जैसे मित्र भी उनके कोई हो सकते हैं, का ऐसा करो अभी तुम जाओ बाद में आना, अभी तुम जाओ बाद में आना, यही खड़ा कर दो इनको, यही एक इधर यही खड़ा कर दो, यही खड़े, हाँ यही खड़े हो जाओ। ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का आई है वो शाम, यही अरदास लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आया है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया हो। और कैसे एक बार बाल दूसरे से कहने लगा, भैया हो भैया कहीं ऐसा तो ना है कि द्वारका धीस के हो, ये सांचा ही कहीं उनको कोई मित्र तो हो, तो ऐसे कर कर शीघ्रता कर भैया। अरे ओ पंडित जी रुको, तुम बार बार हमारे पास आ रहे हो, अब हम मानते हैं कि तुम उनके मित्र हो सकते हो, अच्छा ठीक है हम पूछ के तो आवे उनसे। एक द्वारपाल ठाकुर के पास पहुंचा, द्वारका धीस के पास, और जाकर के कहने लगा कि प्रभु कि कोई ब्राह्मण आपके द्वार पर आया है, लेकिन उसकी हालत बड़ी खराब है, कि नाथ एक बिच्छु कदा वो तुम्हारे द्वार पर शीशे पकाने झगड़ने पे प्रभु पुकारे कोई आए बसों को ही धोती पट्टी लपेटी तो बेटी बन पाई उपहार की नहीं शामा खड़ोस जी तुम्हारे भरो बीनी दुर्बले एक बार हो जाती दोनों जन भैया पूछते दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा पूछते दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा अपनो नाम सुदामा। हे प्रभु एक दीन हीन एक गरीब ब्राह्मण जिसके शीश पर कोई साफा नहीं है, तन उघड़ा है, धोती भी है वो भी फटी सी है, पैरों में कुछ भी नहीं है, उघाना है, हे दीन दयाल अपना नाम वो सुदामा बताता है। सुदामा का नाम सुनते ही ठाकुर खड़े होते हैं, पर जैसे चित्रकूट पर राम भरत का जैसे मिलन होता है ऐसे दौड़ कर चलते हैं। नतन पहजामा हाजी नतन पह पगड़ी नतन पहजामा कथा दो कन्हैया को नाम है सुदामा, कथा दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक ही बार मोह सजा करके कई बार मोह मिलने सका नसीबा गया है,
जखापन नसीबा गया सुनती दौड़े चले आए मोहल सुनती दौड़े चले आए मोहल लगाया गणेश सोहज को लगाया गणेश सोधा मात मोहल सुनते दौड़े सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गणेश सुदामा को मोहन हाँ लगाया गणेश सुदामा को मोहन जब अपने साथ लेकर के अपने मित्र को लेकर के कहाँ पहुंचे अपने भीतर अंदर मुख्य द्वार से ये और मुख्य सिंहासन की ओर चल देते हैं। रुक्मणी देख रही है कि आज ये दीनहीन गरीब ब्राह्मण और मेरे कन्या उनसे निपट कर लगे हुए हैं। बड़ा अचंभा होने लगा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा मेहमान के अजीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया के कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया के कह दो किधर मेरे सुदामा अजीब आ गया है किधर मेरे सुदामा अजीब आ गया है बरोबर भी अपने सुदामा बैठाए देखो भैया सुदामा ऐसे मत बैठ रहे हैं। अरे भैया हम तुम्हारे इस राजगद्दी पर बैठ रहे हैं जाने हम तो ऐसे ही बैठे हैं देखो अरे भगवान अरे मेरे मित्र ऐसे मत बैठो भाई अरे थोड़े खड़े हो देखो मैं बैठाता हूँ ऐसे बैठ रहे अरे भैया अरे ऐसे बैठेगा अरे यार बहुत अच्छी तरीके से बैठे अब कुछ आनंद आया बैठने में हाँ ऐसो हाले भी भाई ऐसो क्रोध जो पाके कंटक की जल लगे पुनी जोए ऐसो हाले भी भाई ऐसो पाके कंटक की जल लगे पुनी जोए आए यहाँ तो सिपायो सखा तो आए ना इतने कितने दिन होए इतनी सोता माटी दिले दसा कर दागर के जोए पानी पैराती तो छू रही है पानी पैराती तो छू रही है जल से पके धोए कन्हैया इतने रोए अपने सुदामा के लिए शायद राधा कृष्ण के लिए जितना नहीं रोई होगी। ये देख करके उनके पैरों में जो कांटों का जाल लगा हुआ था आज उसको भी एक एक करके और खींच रहे हैं सारे कांटे निकाले अपने हाथों से सुदामा के देखो तो कैसा दर्द होता है। अरे भैया बस बहुत हो गया अब नहीं थोड़ा सा अपने पास अधिक बैठो और मित्र दोनों बैठ करके अपने दुपट्टे से उनका जो चरण थे उनको साफ किए और साफ करने के बाद अपने मित्र के पास बैठ करके बड़ी हास परिहास में बातें होने लगी। बड़ी प्रेम से बातें हो रही हैं देखो तो कैसी हो रही हैं और भगवान की सारी जितनी भी जो रानियां हैं 800 पटरानी 16,000 जिनको भी दर्शन करने का सौभाग्य आज मिल रहा बता मेरे यार सुबा मारे भाई कहना दे हमें आयो बता मेरे यार सुबा मारे भाई कहना दे हमें आयो मारा पालक
इतने दिनों के बाद आज मेरे द्वार पर तुम्हारा आना हुआ। अरे मैंने तो तुम्हें कभी नहीं रोका, मैंने तो कहा था कि मित्रता मैंने तुमसे की है। अब कन्हैया देख रहे हैं कि सुदामा कुछ अपने बगल में कुछ दबाए बैठे हुए हैं और दबाए ले कन्हैया। भैया अरे सुदामा कुछ तो कोई ना कोई कारण है भैया, बात आई है ये मुझे दे, इसको मुझे दे, इसमें क्या है? नहीं प्रेम से दो, ऐसे प्रेम से। हाँ 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 क्यों नहीं देरी सोना, मैं इसका कारण सुनिए। अरे ये चप्पल भूख को खावे वालों इन सूखे चावल ने कैसे खाएगा, केवल अभी सूखे चावल को कैसे खाएगा? इसका अन्न नहीं खाया तो इसकी दरिद्रता को कैसे मिटाऊंगा? इसलिए सुदामा को दान देने के लिए, तंदुल लाने के लिए मैंने आज आपसे इसीलिए कहा था कि जिस द्वारिका धीश के लिए हम तंदुल दें, हमारी भगवान हमारी दरिद्रता को दूर करें। बोलिए द्वारिका धीश की जय हो। आज 11 से अभिनय करेंगे, केवल खाएंगे, दान देने की कोई बात नहीं है। ये पता है पहले से पता। प्रभु कम हाथी कहो प्रभु कहो प्रभु तीसरी खाने लगी। कमला ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगी प्रभु इसको तुमने दो लोगों का नाथ बना दिया, क्या आप रंक होना चाहते हो? तीसरा लोग देने के बाद तो कहा रहोगे? तो भगवान कृष्ण कह रहे अरे तेने बीच में रोक करके मेरा आनंद को कम कर दिया। अरे क्यों रची मेरी सिवा में कियो अपने और न खाने दियो कि भगवान ग्रही देते क्रिया ये लोग करी तो मेरे अपने मन में संभावा हमीनी मोही की माही भली भली हमीनी मोही की माही भली भली कोने रायो जगे में मेरे रंगा जो भी कहे हरी मित्रे लोग हमें सोने सायो ये जो भी कहे हरि मित्र जो की हम सोने सायो यह जादू कलंका। अरे एक और फक्का क्यों नहीं खाने दिया भैया? थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए भैया, तनिक इसलिए सब सीधा साधा बैठेगा उसको पहले मिलेगा, बस हो गया। भक्ति करता है और कहीं इस बात को जान करके
आज हमने ये तीसरे मुर्गी खाने का जो सोचा उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि तू मन में जो शंका करती है, तू मन में क्यों शंका करती है, अगर तीनों लोग में इसको दो तो ऐसा सोच करके कन्हैया ने कहा कि आज मेरी भाभी ने जो मुझे प्रेम से जो चावल भेजे हैं, आज मैंने उनको खा करके जो मेरी मन की जो तृप्ति मिली है, स्वयं कमला तुम भी मुझे चप्पन भोग खिलाओ बना कर उसमें ऐसी मिठास। भैया एक थाल में कुछ फल एक दो अरे झोले में झोली में इतना दयालो दे दो झोली में इतना दयालो मांगने की तो आदत निकाले सबको मैं नहीं कह पा रहे सुदामा क्या कह रहे हैं कुछ को इतनी शर्म आ रही है या सुबह से कहीं जा रही है मुझको इतनी शर्म आ रही मुझको इतनी आ रही है और सुन हाथ उठाइए सारे मिल करके सुन हाथ उठाइए तू मिला को बिगड़ी बनाए मैंने छोली फैलाई कन्हैया सारे हाथ जोड़ करके बोलिए एक तमन्ना है मरने से पहले एक तमन्ना है मरने से पहले अपना दर्शन तो मुझको बनाए अपना दर्शन तो मुझको बनाए खूब खाया और खूब खिलाया फिर चालू करो मन रखियो मेरे चरणन में निज दिलो वास वृंदावन में मेरे बाके थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ देखो कन्हैया आज मेरे ठाकुर के द्वार पर कैसे झूम रहे हैं अरे मेरे पौधे बाके भी मेरे बापे बाके मेरे बापे भी बाके मेरे बाके भी हरी सवरिया मेरे बाके भी हरी सवरिया मेरे बाके भी बाके मेरे बाके मेरे बाके भी हरी
कोई बात नहीं, ठीक है भैया, मैं तो जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। जाओ अब जाओ, तुम्हारी लड़कियाँ डंडा उसे ले जाओ। ठीक है भैया, हम जा रहे हैं। तो राधे राधे भैया, राधे 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 राधे। ठीक है, हम जा रहे हैं ना, हमारी खूब राम राम ले लीजिए। चल दिए देखो, इधर द्वारिकाधीश की नगरी को छोड़ करके जब सुदामा, हाँ आप जाओ, ये कन्हैया आप जाओ, सुदामा तुम्हें रहने दे। द्वारिका छोड़ के आए हो, ये वही द्वारिका पुरी कैसे? जब सुदामा जी रास्ते में चल रहे थे तो पीछे से योग माया के माध्यम से कुबेर भंडारी सब ने जाकर के और सुदामा पुरी को दूसरी द्वारिका पुरी में बदल दिया। जिन जिन घरों से भगवान के यहाँ कंदूल चावल आए थे, आज उन घरों को भगवान ने अपने जैसे भव्य महल बना दिए। बोलिए द्वारिका भी स्थिति जो सुशीला थी, आज वो भी सोने श्रृंगार में थी। माता लक्ष्मी ने स्वयं, रुक्मणी ने स्वयं उनका श्रृंगार किया था। आज उस श्रृंगार को देख करके सुदामा अपनी पत्नी सुशीला को पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये, और वो ऊपर से आवाज देने लगी महलों से, अजी कहाँ घूम रहे हो, अरे कनिक कनिक पीछे देखो, ऊपर देखो, हाँ यही। जी कहें भैया ये इतनी बढ़िया स्त्री मुझे क्यों आवाज देगी, लेकिन फिर भी हाँ हाँ मैं ही हूँ सुशीला जिसको तुम देख रहे हो। सुशीला को देखी भारी सी तो लग रही है, ये क्या, क्योंकि कभी सोलह श्रृंगार में सुशीला को देख रही है।
माता लक्ष्मी को यौवन रूप दे गई थी और श्रृंगार से युक्त हमेशा कि तुम ऐसे ही रहोगे, वो वचन देते गए थे। अब जो उनके बालक थे जिनके तन पर कभी लोगों से ज्यादा कुछ मिलता ही नहीं था, आज वो भी राजाशाही कपड़ों में दिखाई देने लगे। देखो तो सही बालक थे, बड़े बड़े। हाँ हाँ भैया, राजकुमार से दिख रहे सारे खूब बड़े बड़े है गए आज ये बालक। हाँ हाँ सुदामा इन भवनों को देख करके बड़ी विचित्र, जहाँ गाय भरी थी वहाँ आज घोड़े आदि होते हुए, जब तुलसी की बिरवा था आज वह पंचवटी खड़ी हुई है, जहाँ टूटी सी झोपड़ी मढ़ैया थी आज वह पंचमहल खड़े हुए। सुशीला ने कहा कि प्रभु हे पतिदेव, जिस दिन से आप गए हो उस दिन से मैंने भी अन्न का जल अन्न और जल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, आपके आने का मैं इंतजार कर रही थी और आज आप आ गए हो तो मैं आपके साथ ही भोजन करूँ। सारा वृतांत सुना दिया कि हे मेरे ठाकुर हे दीनदयाल, तूने जैसे मेरी दरिद्रता मिटाई है सभी भगवान सभी की मिटा लेगा। बोले कृष्ण सुदामा की, ऐसे चरित्र को हम सुने।
स्वाहा। ओम श्री इष्ट देव्यै नमः 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 स्वाहा। एक आवतगी की अनेन हवन कर्म कर्मणा श्री इष्ट देवी निमित्तम इदम हवनम प्रियंताम नमः। घी की आवती छोड़ दीजिए। भगवान बाल गोपाल का ध्यान कीजिए एक बार। जिन्होंने सात दिन सेवा करी है, पांच बैठे यज्ञ में, वही बात है करब में। भैया आप आओ, अभी माता बहन रुके, अभी माता बहन रुके, पुरुषवर को आगे ना दे। जो भी साथ दे रहे हैं अंकल जी।